सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दाल मखनी की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल डिलीशियस ये बन के तैयार होती है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ब्लैक उड़द की दाल ली है, साथ में लिया है राजमा। इन सब की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने इन्हें ओवरनाइट सोक करके रखा था। दोस्तों, इस रेसिपी में दाल को भिगोना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी ब्लैक उड़द की दाल, राजमा और आगे मैं चना दाल यूज़ करने वाली हूँ, उन सबको मैंने बहुत ही बढ़िया सोक किया है। और अब मैंने ऐड किया है 1.5 गिलास के करीब पानी, साथ में ऐड कर रही हूँ चना दाल जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। फिर डाल दीजिए तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, 4 लौंग, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं और अब हम इसे फ्लेम पे डाल देंगे। मैंने यहाँ प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पे रखा है। ये देखिए दोस्तों, पहली सीटी आ गई है, तो अब फ्लेम को लो पे कर दीजिए और लो फ्लेम पे हम दाल को 7 से 8 विसल आने तक कुक कर लेंगे। ध्यान रखें, फ्लेम को हमें लो पे रखनी है। जब तक हमारी दाल पक रही है, तब तक हम ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक छोटी मिक्सर की जार ली है, जिसमें मैं प्याज को पीसने वाली हूँ। प्याज को छील के मैंने जस्ट रफली चॉप कर लिया है। तो चलिए अब इसे बारीक पीस लेते हैं। हमारी प्याज की पेस्ट रेडी है, आप प्याज को बहुत ही बारीक पीसें। और अब चलिए टमाटर को भी पीस लेते हैं। तो टमाटर को मैंने अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से मोटे टुकड़ों में काट लिया है। चलिए अब इसे भी पीस लेते हैं। हमारे टमाटर की प्योरी भी रेडी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। दाल में हमारी 8वीं सीटी आ गई है, जिसे हमने लो फ्लेम पे लगाई है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे खुद से डीप्रेशराइज होने दीजिए। हमारी प्रेशर कुकर खुद से डीप्रेशराइज हो गई है, दाल बहुत ही बढ़िया कुक हो गई है। देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से मैश हो रही है। तो अब इसे बिल्कुल ठंडी होने दें, फिर हम चलेंगे अगले स्टेप पे। दाल बिल्कुल ठंडी हो गई है दोस्तों, तो यहाँ मैंने एक छोटी मिक्सर की जार ली है। पूरी दाल की 1/4 क्वांटिटी को इस जार में लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया है और अब हम इसे बहुत ही बारीक पीस लेंगे। ऐसा करने से हमारी दाल मखनी की कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया आती है, बिल्कुल क्रीमी बनती है। तो इसलिए आप भी दाल को ज़रूर पीसें। तो चलिए अब मैं इन्हें पीस लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने दाल को बहुत ही बारीक पीस लिया है, ये भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप के लिए एक कर्छी की मदद से दाल को इस तरीके से प्रेस कर करके हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से दाल बिल्कुल एक साथ हो जाती है और अलग अलग नहीं दिखती है। और अब मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, कद्दूकस की भी अदरक डाल दीजिए। साथ में डाल रही हूँ 1 गिलास के करीब दूध। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर रही हूँ, आप भी दूध ऐड कीजिए। दाल मखनी बिल्कुल इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ में ऐड कर रही हूँ पिसी हुई दाल। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ढक के हम इसे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, आप इसे 2 से 3 मिनट पे चलाते रहें, अदरवाइज ये तले से लग जाती है और जलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसे हर 2 से 3 मिनट पे अच्छे से चलाएं और ढक के 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। ये देखिए दोस्तों, 25 मिनट से हमारी दाल जो है वो कुक हो रही है और ये अब रेडी हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे इसकी क्वांटिटी घट गई है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब इनके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। घी की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है, आप मेरी इस रेसिपी को घी में ही ट्राई कीजिए। घी को बढ़िया गर्म कर लीजिए। घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे अच्छी सुनहरी कलर की हो जाए तब तक मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर लेंगे। प्याज को कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये कच्ची है, कच्ची स्मेल इसकी ना रहे, इसलिए आप इसे बढ़िया कुक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्याज बढ़िया कुक हो गई है, बिल्कुल ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। मिक्स करते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और भून लीजिए।
अड़ब में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में डाल दीजिए धनिया पाउडर। इन सब की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ में ऐड कर दीजिए बेसन। बेसन डालने से इस पूरी ग्रेवी को एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर मिलती है, तो आप भी ज़रूर से डालिएगा। मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ पिसी हुई टमाटर, जिसे हमने पहले पीस लिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए, साथ में ऐड कर दीजिए नमक। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मसाले से ऑयल रिलीज हो गई है दोस्तों, तो अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटी धनिया पत्ती। इस पॉइंट पे आप धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे फिर से 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा मसाला रेडी है, बहुत ही यम्मी लग रही है ये, आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें क्रीम। क्रीम की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मसाले के साथ हम इसे फिर से 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें पकी हुई दाल को डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में मैंने ऐड किया है 2 ग्लास के करीब पानी। इसे अच्छे से मिक्स होने तक मिक्स कर लीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ बटर। आप बोलेंगे बटर मैं पहले क्यों ऐड कर रही हूँ, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे बटर ऐड करने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस पॉइंट पे ही दाल मखनी में बटर ऐड कीजिएगा और इसे हम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे। बिल्कुल फ्लेम को लो पे कर दीजिए और 20 से 25 मिनट के लिए बढ़िया कुक कीजिए। बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, 25 मिनट से दाल मखनी जो है वो तैयार हो रही है और अब ये रेडी हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है इसकी, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्लोजअप में मैं दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसे मैं प्लेन राइस या ज़ीरा राइस के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बहुत ही बढ़िया सी दाल मखनी की रेसिपी, जो कि मेरी फैमिली में बिल्कुल हिट है, सबको बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए, आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।